60 के दशक की वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा का आज 86वां बर्थडे है। ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला सिन्हा संगीत को भी बेहद जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफर की कुर्बानी दे दी। करियर में ज्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाई एक्सपर्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में थी, लेकिन उस दौर में सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। बचपन में माला का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नजमा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का खूब शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने माला के पिता से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बात से माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला की बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज हुई थी जिसमें माला सिन्हा ने अपने सिनेमेटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहां पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड की फिल्मों में ब्रेक दें। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी एक फिल्म रंगीन रातों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों में उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यास। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आईं। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला सिन्हा को अप्रोच किया गया। बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग की तरफ ज्यादा रहा था। हालांकि उन्होंने फिल्मों में आवाज देने के पहले ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग और एक्टिंग में से एक का चुनाव करना पड़ा। आखिरकार फिल्मों में उन्होंने अपने सिंगिंग सफर को विराम लगा दिया था। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदम्बरम प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने शर्तें रख दी। पहली शर्त ये थी कि वो माला से शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और दूसरी ये शर्त थी कि शादी रीति रिवाजों से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान भी ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि शादी की एक खास बात ये भी थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर जारी रखने को कहा। इस वजह से शादी के बाद माला ने अपने एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में रहना पड़ता था। स्टेट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदम्बरम प्रसाद भी ज्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिसका नाम प्रतिभा है।